हिस्सों में बटी जिंदगी। सो आई विल गिव अ लिटिल बैकग्राउंड। सो ये मैंने उस टाइम लिखी थी जब कोविड शुरू ही हुआ था। इट हैड बीन जस्ट 3-4 मंथ्स एंड यू नो मतलब लाइफ वाज गोइंग रियली क्रेजी। आप सब लोगों को मालूम है तो पूरा टोटल लॉकडाउन था, कुछ नहीं। सो एवरीथिंग वाज बीइंग डन थ्रू होम, स्कूल भी, ऑफिस भी, नो मेड्स, नथिंग। प्लस वो पैशन फॉर राइटिंग जो थी वो साइड हुए जा रही थी, जो रूटीन था वो डिस्टर्ब हो गया था। तो ऐसे लग रहा था कि मतलब एवरीबडी वॉन्ट्स अ चंक ऑफ यू, मतलब सबको कुछ कुछ चाहिए आपसे, बस आपको अपने लिए ही टाइम नहीं मिल रहा है। ये मैंने उस माइंडसेट में लिखी थी, तभी कविता का शीर्षक था हिस्सों में बटी जिंदगी। हर कोई अपने हिस्से में मुझे थोड़ा थोड़ा चाहता है, हर कोई अपने हिस्से में मुझे थोड़ा थोड़ा चाहता है, हर कोई मुझसे मेरी जिंदगी थोड़ी थोड़ी मांगता है। कोई सुबह की किरणों पर तो कोई मेरी शब पर हक चाहता है, कोई सुबह की किरणों पर तो कोई मेरी शब पर हक चाहता है, कोई मेरी खुशी में शरीक होना चाहता है तो कोई मेरे गम को अपनाना चाहता है, कोई चंद पल की उम्मीद रखता है तो कोई साथ उम्र भर का चाहता है, कोई सवाल बन इतराता है तो कोई जवाब के मायने चाहता है, कोई सवाल बन इतराता है तो कोई जवाब के मायने चाहता है, कोई ख्वाबों का पता दे लापता हो जाता है, कोई ख्वाबों का पता दे लापता हो जाता है तो कोई हकीकत बन रूबरू हो आता है, कोई झूठ से नकाब हटाता है तो कोई सच को झूठ बताता है, कोई झूठ से नकाब हटाता है तो कोई सच को झूठ बताता है, कोई जिंदगी का सरमाया बन साथ चलता है तो कोई साया होते हुए भी तन्हा छोड़ जाता है। जर्रा जर्रा जिंदगी का सबके साथ जीता हूं मैं, जर्रा जर्रा जिंदगी का सबके साथ जीता हूं मैं, मगर फिर भी तन्हाई के समंदर में डूबा रहता हूं मैं। ख्वाहिशें हैं कुछ जो अब भी अधूरी हैं, ख्वाहिशें हैं कुछ जो अब भी अधूरी हैं, बादल का एक टुकड़ा अब भी चाहता हूं मैं, जिंदगी की किताब में एक ताजा नज्म लिखना चाहता हूँ, जिंदगी की किताब में एक ताजा नज्म लिखना चाहता हूँ, जिंदगी का एक हिस्सा अपने लिए भी चाहता हूँ, जिंदगी का एक हिस्सा अपने लिए भी चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई अपने हिस्से में मुझे थोड़ा थोड़ा चाहता है। थैंक यू। बहुत खूब, थैंक यू। मेरे ख्याल से सबसे पहले पोएट्स पूछते हैं, नीलू जी से पूछते हैं। वंदना जी, आपके लिए क्या बोलूं, आप तो ऑलरेडी लाइक एक इतने बढ़िया राइटर हैं आप। सबके फीडबैक और सही होता है। तो आपने बहुत सही बोला कि हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना डूब जाते हैं, कभी फैमिली को देख रहे हैं, कभी अपना करियर बना रहे हैं और दौड़ते रहते हैं जिंदगी के साथ। बट एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमें ख्याल आता है कि आधी जिंदगी तो निकल गई और हम अपने हिसाब से जैसे जीना चाहते थे, अपने लिए टाइम निकालना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, वो हम कर नहीं पाए। तो ऐसा मुझे लगता है कि जो मिडिल एज होती है, मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि उस टाइम पे मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं ही करना चाहती थी, मैं क्यों नहीं कर पाई। तो आपकी पोएट्री से जो मैंने गेज किया वो यही कि हर कोई हमारे से अपना अपना शेयर ऑफ लव चाह रहा है और हम वो दे रहे हैं, और हमारा फोकस हमसे खुद से हटता जा रहा है कि हम क्या लाइफ में करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी पोएम बहुत अच्छी लगी। थैंक यू नीलू जी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने पोएम को के मायने बिल्कुल वही समझे जो मैं बोलना चाह रही थी। मतलब मैं सच में यही कन्वे करना चाह रही थी जो आपने अभी बोला। वैसे वंदना जी, आई वुड से कि हम जो ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था वो इसी ख्याल से लेके स्टार्ट किया था हमने। बेसिकली एज यू सेड, पेंडेमिक स्टार्टेड, तो उसके बाद इमीडिएटली वी न्यू, हमें लगा कि ये बहुत लंबा होने वाला है एंड वी आर नॉट गोइंग टू मीट पीपल,
मिल नहीं पाएंगे लोगों से, कुछ नहीं, मतलब वील बी एट होम, इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग. सो देन वी स्टार्टेड मीटिंग ऑनलाइन ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और अपने अपने जो पैशन थे हमने, सो वी ट्राई टू रीडिस्कवर आवर सेल्व, वी ट्राई टू यू नो रीकिंडल आर ओल्ड पैशन. लाइक आई विल टेल यू अबाउट राकेश जी हैं, जैसे राकेश जी ने कभी गायकी नहीं करी थी 40 साल से. अच्छा. और इनको म्यूजिक का बहुत शौक है, म्यूजिक का बहुत शौक है. कॉर्पोरेट में रहे और कभी गाना गाने का मौका नहीं मिला वहां पर. अच्छा. कभी बट यहाँ पर आकर इन्होंने पिछले 2 सालों में, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इतने गाने गाए हैं, पोएट्रीज करी हैं, पोएट्रीज अपनी पोएट्री ओरिजिनल नहीं बट दूसरे पोएट्स की पोएट्रीज इन्होंने रिसाइट करते हैं. एंड ही इज एंजॉइंग. अपने रहेजा जी हैं, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो इन्होंने, इनकी सिंगिंग सुनिए आप, मतलब यू नो ईच एंड एवरी पर्सन हु हैज बीन हियर, लाइक उषा मैम आज नहीं है बिकॉज देयर इज अ फेस्टिवल, सो लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग. तो उनको उनको देख लो, मतलब एवरीबॉडी हैज गॉट ए चाइल्ड लाइक एंथुसियाज. तो इस प्लेटफॉर्म से जो आपने कहा कि अपने लिए वी हैव टू कीप सम मी टाइम फॉर अस, सो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म जो हम यहाँ मिलते हैं हर हफ्ते, दिस गिव्स अस दैट काइंड ऑफ मी टाइम. सो अमेजिंग अमेजिंग पोएट्री, थोरली एंजॉय. थैंक यू, थैंक यू. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ मी टाइम, तो मैं अक्सर इस पे बहुत लिखती हूँ, तो प्रॉब्ली इजीली. थैंक यू, थैंक यू राकेश, थैंक यू राजेश जी. राकेश जी, वन्ना जी, आपकी पोएम बहुत शानदार थी, बहुत मीनिंग था उस पोएम में, और आपका नरेशन भी बहुत अच्छा था. और जो मैं कुछ बोलना चाहता, राजेश ने ऑलरेडी बोल दिया है मेरे से पहले, कि जो भी हमारे शौक, जो पैशन पीछे टूट जाते हैं भागदौड़ में, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है. और लाइफ में स्टेज आती है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपने सब काम कर रहे हैं लेकिन अपना मन का जो सुकून, जो एक्टिविटी हमें, हमारी बकेट ऑफ हैप्पीनेस है, वो नहीं मिलती है. तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया था, और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म की सक्सेस का राज भी यही है कि ये सभी को वो एक प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. और रॉबिन शर्मा जो एक बहुत फेमस ऑथर है, यूएस में अब सेटल हो गए हैं, उन्होंने बहुत किताबें लिखी है. जी. तो वो लिख, मैंने उनकी काफी किताबें पढ़ी है, और वो लिखते हैं कि सुबह उठकर आधा पौन घंटा या एक घंटा मी टाइम जरूर निकालना चाहिए, जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना आपकी ईमेल, ना सेल फोन, या कोई बच्चा या वाइफ, या नो बडी कैन डिस्टर्ब और टच दैट मी टाइम. एंड दैट इज द टाइम यू हैव फॉर योर सेल्फ, वेर यू कैन डू एवरीथिंग, whatever you want, you can plan your day, जो भी आप करना चाहते हैं अपने ऊपर वो डिवोट. तो आई थिंक आपके पोएम में वो बहुत अच्छा कवर हुआ है, and it was very nice. Thank you. Thank you. Thank you, Rakesh जी. और एक मी टाइम के लिए तो हमारे जो रहेजा जी है ना, he is an inspiration for us. अच्छा. इनको आप देखो पिछले 2 साल के अंदर, चाहे पेंडेमिक था, कुछ भी था, इन्होंने कम से कम नहीं तो 15-20 ट्रिप्स लगाई होंगी मनाली की, और उसके बाद देहरादून, कभी शिमला, कभी कहीं, एंड मेनी टाइम्स नॉट विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, ही गोज विद फ्रेंड्स आल्सो, और कई बार अकेले भी निकल जाते हैं. तो आई थिंक ही हैज इंस्पायर्ड मी. आज मैं भी, आई हैव कम ऑन ए सोलो ट्रिप फॉर वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, सोलो लेजर ट्रिप. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. वंदना जी, बहुत अच्छी लगी पोएम आपकी, कि हम अपने औरों के लिए तो टाइम निकालते रहते हैं, उनके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, कभी भी अपने लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं. आपने जो लाइन बोली है कि जिंदगी का एक हिस्सा भी अपने लिए चाहती हूँ, ये बहुत है कि मतलब कुछ टाइम जो है अपने लिए भी हमें निकालना चाहिए. हम औरों के लिए तो बहुत कुछ करते रहते हैं, ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमें पूरी करनी करनी है. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के साथ साथ कुछ समय हमें अपने लिए भी फ्री निकालना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे रिटायरमेंट के बाद तो मुझे लगता है और ज्यादा जरूरी है. आप लोगों हाँ, देखते कि तो मुझे अगर ये है. तो ये तो एक सेंटेंस भी है कि जैसे फ्री टू बी हैप्पी, अगर तुम फ्री नहीं हो तो तुम हैप्पी हाँ. भी नहीं हो सकते. अगर फ्री हो तभी तुम हैप्पी हो सकते हो, और अगर फ्री होते हैं तभी हम कुछ नया सोचने के लिए
वो होते हैं कि हमें कुछ नया चीज कुछ मिल हम सोच सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं या कुछ उसका इन्वेंशन कर सकते हैं। अगर हम सारा टाइम बिजी बिजी रहते हैं वो अपने लिए औरों के लिए बिजी रहते हैं तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते और कोई नई चीज क्रिएट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो इसलिए अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है। आर्यमन आपको कैसी लगी कविता? आर्यमन आर्यमन को कुछ समझ में नहीं, मुझे कविता अच्छी लगी आपकी। असल में मैं इतना पोएम के बारे में आपने सही कहा मैं इतना नहीं जानता। मुझे असल में ना क्लासिकल नॉवेल ज्यादा पसंद है इस मामले में, लेकिन पोएम के बारे में जितना मैंने पढ़ी अपनी क्लासेस में उतनी में आपकी बहुत अच्छी थी आपका है ना मतलब आपका वो बहुत अच्छा है मतलब कि है ना अंदाज अच्छा है बहुत। वेरी थैंक यू।